वो कहावत सुनी है, कुछ तो मजबूरी रही होगी उनकी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। ऐसा ही कुछ आजकल वो लोग कह रहे हैं जो अक्षय कुमार की पूजा करते हैं, क्योंकि अक्षय कुमार हमेशा उसूलों के आदमी रहे हैं, या फिर वो खुद को ऐसा दिखाते जरूर हैं। पिछले कुछ सालों में अक्षय ने अपने लिए एक रिस्पेक्ट वाली जगह बनाई है, और पिछले कुछ सालों में अक्षय ने अवार्ड शो को जमकर धोया है, लेकिन इस बार हद ही हो गई। चाहे आने वाली फिल्म पैडमैन के प्रमोशन की मजबूरी कह लीजिए या कुछ और, अक्षय कुमार ने जी सिने अवार्ड्स पूरे जोश के साथ अटेंड किया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस इवेंट में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी कबूल कर लिया। ये वही अक्षय हैं जिन्होंने कुछ साल पहले साफ कहा था कि ये अवार्ड शो बिकाऊ होते हैं और इसलिए उन्हें इस पर कोई भरोसा नहीं है। इतना ही नहीं, अक्षय ने ये भी कहा था कि मैं अवार्ड पर नहीं रिवार्ड पर यकीन रखता हूँ। वो अक्षय पूरे जोश खरोश के साथ न सिर्फ अजी सिने अवार्ड्स में पैडमैन प्रमोट करता दिखा, बल्कि बेस्ट एक्टर पॉपुलर का अवार्ड लेते दिखा। वो भी तब जब बेस्ट एक्टर ज्यूरी का अवार्ड दिया गया वरुण धवन को। अपनी इतनी इज्जत तो खुद अक्षय भी अपनी कर सकते थे। वैसे अवार्ड के बारे में हर कोई कुछ ना कुछ कह जरूर चुका है। डैश सीट से तय हो जाता है। अक्षय कुमार ने कहा कि जब मेरी सीट की लिस्ट दी जाती है तो मैं देखता हूं कि मुझसे आगे जो इंसान बैठा है क्या वो नॉमिनेटेड है, अगर हाँ तो अवार्ड उसका है। अब तो इनमें गेस करने जैसा भी कुछ नहीं रहा। परफॉर्मेंस दो अवार्ड लो। अक्षय कुमार ने एक बार और साफ कहा था कि कितने लोग उन्हें परफॉर्मेंस के लिए अप्रोच कर चुके हैं। जितने लोग अवार्ड शो में परफॉर्म कर रहे होते हैं उन्हें एक अवार्ड दे ही दिया जाता है। तापसी पन्नू ने पिंक में जानदार परफॉर्मेंस दी, लेकिन हर जगह उन्हें वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड दे दिया गया। थककर तापसी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे भी कोई अवार्ड दे दे। फराह खान फराह का कहना है कि चलो अच्छा है, हमारे अवार्ड शो में ऑस्कर जैसा कुछ नहीं होता है, हम तो उसी को अवार्ड दे देते हैं जो ऑडियंस में बच्चा रह जाता है। ऑस्कर में लोग खड़े होकर विजेताओं के लिए तालियां बजाते हैं, हमारे यहाँ लोग खड़े होते हैं पीछे खिसकने के लिए, क्योंकि उनके आगे कुर्सियों की लाइन बढ़ती जाती है। अरशद वारसी, वही असली जॉली एलएलबी अरशद वारसी, जो इस फिल्म के लिए नेशनल पुरस्कार पा चुके हैं, उनका मानना था कि हमारे यहाँ अवार्ड किसे देना है ये पहले ही तय हो जाता है, किस कैटेगरी में देना है ये बाद में तय होता है, इसलिए ऑस्कर जैसी गलती हम लोग नहीं कर सकते। सुशांत सिंह राजपूत, एक महीने पहले ट्रॉफी के साथ ये फोटो डालने वाले सुशांत ने कहा कि हम लोग बाकी लोगों से सदियों पीछे हैं, हम सिनेमा के नाम पर एवरेज चीजों को सम्मान देते हैं। उनका मतलब था अवार्ड से या जिन फिल्मों को अवार्ड मिला। सोनम कपूर को क्यों लगता है कि उन्हें एक्टिंग अवार्ड मिलना चाहिए, ये तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने हाल ही में कहा था कि मेरे पास कोई अवार्ड नहीं है क्योंकि मेरे पापा उन्हें मेरे लिए खरीदने से मना कर देते हैं।